हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत हमेशा ही अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं। हाल ही में वो एक इवेंट के दौरान रिपोर्टर पर भड़क गई थी, जिसके बाद इस मामले को लेकर काफी बवाल हुआ था। वहीं अब लीजिए कंगना फिर से अपने एक बयान के चलते खबरों में छा गई हैं, और इस बार उन्होंने ये बेबाक स्टेटमेंट करण जौहर के ऊपर दिया है, जिसे जानने के बाद दर्शक ही क्या, बॉलीवुड स्टार्स भी चौंक जाएंगे। दरअसल इन दिनों कंगना रनौत अपनी फिल्म जजमेंटल है क्या के प्रमोशन में बड़े ही जोरों शोरों से लगी हुई है। आए दिन वो अपनी इस फिल्म को कहीं ना कहीं प्रमोट करने जाती ही रहती हैं। वहीं हाल ही में बॉलीवुड की ये क्वीन जा पहुंची कपिल शर्मा के शो में। ये तो आप जानते ही हैं कि कपिल का शो दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है, और अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए भी ये शो बेस्ट ऑप्शन है। शो के दौरान कपिल ने कंगना से बेहद ही मजेदार सवाल पूछे, जिनमें से एक था कि अगर आप इस देश की प्रधानमंत्री होती तो आप इस फिल्म इंडस्ट्री में किस किस को कौन सा विभाग संभालने को देती। इस पर कंगना ने कई सेलिब्रिटीज के नाम लिए, जहां कंगना ने शाहरुख को वित्त मंत्रालय संभालने के लिए चुना, तो वहीं करीना को गृह मंत्रालय संभालने के लिए चुना। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए कंगना ने अक्षय को चुना। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि कंगना ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए करण जौहर को चुना। कंगना ने कहा, क्योंकि उसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, जिससे जुड़ा उनका एक शो भी आता है, जिस पर वो स्टार्स से काफी अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं। करण तो बिना किसी झिझक के किसी से भी ये सवाल कर सकते हैं कि उन्होंने आज किस रंग के अंडरगार्मेंट्स पहने हुए हैं। तो इस कारण से करण के अलावा इस विभाग को कोई और नहीं संभाल सकता। तो देखा आपने, कंगना ने मजाक मजाक में ही करण की पोल खोल डाली है। बता दें कि कंगना और करण जौहर में हमेशा ही 36 का आंकड़ा देखने को मिला है। दोनों ही हमेशा एक दूसरे का मजाक बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। नेपोटिज्म को लेकर छिड़ी इन दोनों के बीच की जंग तो आपको याद ही होगी, किस तरह से ये आपस में भिड़ गए थे। वेल, देखने वाली बात तो अब ये है कि कपिल के शो पर दिए गए कंगना के स्टेटमेंट को सुनने के बाद करण जौहर कैसे रिएक्ट करते हैं। वैसे आप कंगना की बातों से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।